Hey guys, what's up? This is Shuri from eGadgets for you. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पीछे की कैमरे में सबसे पहले यह हैंडसेट लॉन्च होने वाला Samsung Galaxy A9। कितने सारे कैमरे आपको चाहिए दोस्तों आज के डेट में पता नहीं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं ये चार चार कैमरा जो पीछे है वो क्या काम के लिए है। सो डोंट फॉरगेट यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि Samsung Galaxy का A सीरीज जो लॉन्च होता है वो हर साल मतलब जो जब जिस टाइप पे OnePlus का कोई भी हैंडसेट लॉन्च होता है उसको टक्कर देने के लिए ये लॉन्च होता है Samsung Galaxy का A सीरीज का हैंडसेट। ऑब्वियसली ये बोल सकते हैं हम लोग कि Galaxy A9 को टारगेट किया गया है OnePlus 6T को काउंटर करने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें USB जो है टोटल 5 कैमरा सबको मिल जाएगा ये Samsung Galaxy A9 पे। लेकिन डिप करेंगे कैमरे के बारे में थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग को निपटा लेते हैं। 6GB RAM वेरिएंट में जो मॉडल आएगा जिसका इंटरनल मेमोरी 128GB का होगा उसका प्राइसिंग होगा 36,990 रुपीज एंड 8GB RAM वेरिएंट जो होगा उसका प्राइसिंग 39,990 रुपीज में आएगा। तो ऑब्वियसली अगर कंपेयर करें OnePlus 6T के प्राइसिंग के साथ उससे तो थोड़ा कम ऑब्वियसली है दोस्तों। एंड ये सेल एक्सक्लूसिवली स्टार्ट हो जाएगा 28th of November से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पार्टनर्स में सबको अवेलेबल हो जाएगा Samsung Galaxy A9। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ हम लोग स्टार्ट करेंगे कैमरास को लेकर। कैमरा में प्राइमरी कैमरा पीछे जो है वो है 24 मेगापिक्सल का जिसका फोकल एपर्चर 1.7 है। इसके बाद आता है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर्स कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम मतलब जूमिंग के लिए कैमरा लेंस आपके काम में आएगा जिसका फोकल एपर्चर 2.4 है। इसके बाद आ रहा है एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर विद 120 डिग्री लेंस मतलब आपके जो फ्रेम है वो फ्रेम में ज्यादा विड्थ लाने के लिए ये कैमरा यूज होगा। इसका फोकल एपर्चर भी 2.4 का होगा। लास्ट में आ रहा है एक 5 मेगापिक्सल जो कि डेप्थ सेंसर के लिए जिसका फोकल एपर्चर 2.2 है मतलब इसमें ज्यादा लाइट आएगा ऑब्वियसली इन लो लाइट कंडीशंस इन नाइट टाइम खास करके एंड ऑब्वियसली डेप्थ लाएगा आपके पिक्चर्स में मतलब डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी ये लाएगा ये कैमरा से। प्राइमरी सेंसर जो है वहां पे पिक्सल बाइंडिंग टेक्निक बनाया गया है जिससे ये 4 कैमरास को कंबाइन करके एक फोटोस लेगा। सेल्फीज के लिए भी 224 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा एंड ऑब्वियसली इसमें ब्यूटी फेस मोड और बहुत सारे मोड्स होगा। स्क्रीन इल्यूमिनेटर भी होगा मतलब जो फ्रंट फ्लैश की लगभग जैसे काम करता है। इसको छोड़कर सामने और पीछे दोनों ही कैमरे में बोके इफेक्ट्स ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएगा एंड 19 प्रीडिफाइंड सीन्स ऑलरेडी असाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये 19 डिफरेंट सीन्स को ऑब्वियसली डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली एंड इसके साथ साथ इसका आपके लिए मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द परफेक्ट पिक्चर आपके लिए लाएगा एंड ऑब्वियसली एयर इमोजी भी यहाँ पे सेट किया जाएगा सामने और पीछे दोनों की कैमरास में भी दोस्तों। अब बात करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर क्योंकि कैमरास को लेकर जो हाइप था वो तो हम लोग बता ही चुके हैं। बात होता है पहले यहाँ पे डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा जो कि 512GB का होगा, 3800 mAh बैटरी मिलेगा आपको फास्ट चार्जिंग के साथ, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्निक के मदद से सामने की कैमरे से आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा है। 6GB 8GB रैम का वेरिएशंस होगा, 120GB का इंटरनल मेमोरीज होगा। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो पेन एंड पेपर पे ऑब्वियसली हाई स्पेसिफिकेशंस अच्छा खासा स्पेसिफिकेशंस है वैसे ही। लेकिन यही पे आता है कुछ डाउनसाइड्स दोस्तों। जैसे होता है कि कोई भी हैंडसेट परफेक्ट नहीं हो सकता तो मतलब ये हैंडसेट में हम लोग थोड़े बहुत डाउनसाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट दोस्तों जो कि Mi A2 में मिलता है जिसका प्राइसिंग लगभग 15,000 रुपीज में होता है। तो मतलब 660 का चिपसेट वो लोग 710 का चिपसेट ऑब्वियसली ऑप्ट कर सकता था लेकिन फिर भी ये पर्सनल ओपिनियन है। मेरे ख्याल से 710 ऑप्शन चिपसेट अगर लगा देता इसमें तो कमाल की हो जाता क्योंकि हाँ ऑब्वियसली प्राइसिंग फैक्टर में कैमरास मायने रखता है। कैमरास का जो फीचर्स है वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है इस पर्टिकुलर हैंडसेट। एंड जब तक हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको Samsung Pay Mini मिलेगा, फुल वर्जन ऑफ Samsung Pay नहीं मिलेगा ये पर्टिकुलर हैंडसेट में दोस्तों।
तो ऑब्वियसली उस मामले में भी थोड़ा डाउनग्रेडेड है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो फीचर वाइज सब कुछ है इसमें, तो इसमें ऑब्वियसली सैमसंग पे देना ही चाहिए था फुल वर्जन पे। एंड डेडिकेटेड बिग्सबी बटन आपको मिल जा रहा है, मतलब ऐसा है कि सैमसंग की हर एक डिवाइसेस में, चाहे वो मिड रेंज हो, अपर मिड रेंज हो, लोअर मिड रेंज हो, हाइयर सेक्शन हो, बिग्सबी का डेडिकेटेड बटन वो लोग देगा ही देगा, बिग्सबी का डेडिकेटेड बटन भी मिल जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ये हैंडसेट में मेरे हिसाब से। लेकिन जब तक हम लोग नेगेटिव के बारे में बात कर ले, कुछ पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली सैमसंग हम जाना जाता है डिस्प्ले के लिए, इसमें आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगा, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। हाँ दोस्तों, अब ये भी है दोस्तों, हाँ ये सैमसंग जैसे कभी नॉच को प्रेफर नहीं किया है, कोई भी हैंडसेट में नॉच नहीं आता है, तो ये हैंडसेट में भी नॉच नहीं आएगा, बिल्ड क्वालिटी कमाल की होगा दोस्तों। ऑब्वियसली पीछे जो है वो 3D ग्लास प्रोटेक्शन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, लेकिन ग्लास प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, सामने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है दोस्तों ये हैंडसेट में। एंड ऑब्वियसली कोई भी IP रेटिंग्स नहीं है ये पर्टिकुलर हैंडसेट में, जैसे वैसे A8 मिनी में, A8 प्लस में भी आपको IP68 का रेटिंग था दोस्तों, तो इसमें कोई भी रेटिंग नहीं है, वो भी वो डाउनग्रेड कर चुका है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से, ब्रांडिंग वैल्यू का देखा जाए सैमसंग की, तो ऑब्वियसली 36,990 रुपीज आप दे सकते हो अगर आपका प्रेफरेंस है दो चीज के ऊपर, एक है कैमरा, ऑब्वियसली द 4 कैमरास एट द बैक वो वर्क्स टू अ ग्रेट डील दोस्तों, ऑब्वियसली हर एक सिनेरियोस में हर एक फोटोज परफेक्ट आएगा आपके लिए। एंड ऑब्वियसली अगर ब्रांड वैल्यू, सेकंड मतलब जो पॉइंट है वो ब्रांड वैल्यू ऑफ सैमसंग अगर जाना चाहते हो, तो आप 36,990 रुपीज स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली वो डाउनग्रेडेड चीज हमेशा दिमाग में रहेगा कि चिपसेट 660 का चिपसेट क्यू सैमसंग पे मिनी और क्यू कोई भी IP68 रेटिंग नहीं है। ये तीनों चीज को अगर आप मायने नहीं रखते हो, तो ऑब्वियसली ये हैंडसेट के लिए आप जा सकते हो, स्टार्टिंग 28th of November ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पार्टनर्स में आपको यह हैंडसेट मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आया मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी ऑन करके रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं मेरे चैनल पे। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए, जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। So that will be it guys, bye for now.